अ वेरी कॉमनली डिस्कस टॉपिक, और जब भी कभी हम किसी निजी महफिल में जाते हैं तो उसमें सूनर और लेटर इमिग्रेशन के ऊपर ज़रूर किसी न किसी हवाले से बात होती है। और हमने महसूस किया कि यूजली जो लोग इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, दे ऑलवेज जगल इन बिटवीन इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन। तो हमने सोचा है कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जो इमिग्रेशन फोकस्ड हो और जिसमें हम अपने नाज़रीन के साथ सही और बरवक्त मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से मुख्तलिफ डिटेल्स को शेयर कर सकें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा, इसी हवाले से मैं यहीं पर कम्युनिटी टीवी का शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस हवाले से मौका दिया। और एज़ ए डिस्क्लेमर, चूँकि कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस और हम इस तरह लाइव जो है वो किसी को कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे सकते, हम जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे और जनरल कमेंट्स भी, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए हो तो आप फिर हमारे स्टूडियो के नंबर या हमारे पर्सनल नंबर पर हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे मेहमान बड़े यूनिक फीचर्स के हामिल हैं। उनका नाम फरहान इकबाल है। फरहान गुज़श्ता 2009 से एक YouTube चैनल रन करते हैं और इसके 5.4K सब्सक्राइबर हैं, और जब मैंने देखा उनके व्यूज़ को तो वो दे आर ऑलमोस्ट अराउंड 700,000 व्यूज़, एंड दैट वॉज बेसिकली अ बिग कैच फॉर मी के उनकी जो मैंने वीडियोज़ को फिर देखा तो वीडियोज़ जो है बहुत सादा अल्फाज के अंदर और कॉम्प्रिहेंसिवली नए आने वाले प्रोग्राम्स को वो शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, और वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को ही भी डिस्कस करते हैं और मुख्तलिफ जो इमिग्रेशन के हवाले से ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो फोरकास्ट हैं वो भी उनके काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि अप टू द मार्क होती हैं। तो चलें उनको हम लाइन पर लेते हैं। फरहान, आर यू देयर? फरहान, दिस इज़ अलीम जैदी एंड आई वेलकम यू इन माई प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी टीवी। प्रोग्राम नेम इज़ वेलकम टू कैनेडा एंड वी ऑल्सो वेलकम यू इन वेलकम टू कैनेडा प्रोग्राम। मैं अभी नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा था कि फरहान 2009 से एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं जो मल्टीपर्पज़ है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अहम टॉपिक है जिसकी वजह से हम उसमें इंटरेस्टेड हुए कि इसको हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर होना चाहिए, जर्नी टू कैनेडा के नाम से। तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे अपना बैकग्राउंड एंड हाउ यू केम इन टू दिस यूट्यूब चैनल शेयर? थैंक यू फॉर हैविंग मी। यूट्यूब चैनल था तो मैं 2013 में आया। बिफोर दैट पाकिस्तान तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे बहुत सारे कोलीग्स और मेरे बहुत सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स दे यूज टू आस्क मी दैट हाउ डू यू अप्लाई और हाउ डू यू गो टू कैनेडा एंड हाउ कैन वी कम टू कैनेडा। So I made first video and I thought rather than replying each of them, I just posted it on Facebook, I believe. And then people liked it and then they asked me further questions like how to get ECA done, how to get these things done. तो उसके बाद फिर एक से एक वीडियो बनती गई है और नॉर्मली अभी आई शेयर वीकली अपडेट्स जब भी ड्रा होता है कि इतना स्कोर है नेक्स्ट एंड देन आई मेक फोरकास्ट के नेक्स्ट ड्रा कितना होगा। उसके अलावा फिर उससे रिलेटेड जैसे वीडियोस हैं, एज यू मेंशन के योर प्रोग्राम इज वेलकम टू कनाडा, तो मेरे यूट्यूब चैनल में भी दैट सीरीज कॉल्ड जर्नी टू कनाडा। जी जी, सो इसीलिए हमने आपको इस पहले प्रोग्राम में पिक किया कि हमारा जो वीएन है वो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो बिल्कुल सिर्फ इसीलिए है कि लोगों की हेल्प हो सके, बिकॉज मैं एक कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं पैसों के लिए किसी को एडवाइस देता हूँ, लेकिन यह है कि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल, और उसमें अगर वो अवेलेबल उसमें अगर वो फिट इन होते हैं तो दे कैन अप्लाई, और अगर फिर उसमें नहीं है कुछ और चीजें वो देखना चाहते हैं तो देन दे कैन, अगर इवन इफ दे आर गोइंग टू अ कंसल्टेंट तो उनको पता हो ठीक तरीके से कि दे आर गोइंग टू अ कंसल्टेंट हु इज रजिस्टर्ड विद द
रेलिवेंट अथॉरिटीज तो ऐसे ही किसी के पास ना चले जाएं जो उनके पैसे लेके बाद में उनको तंग करे, जो बंदा रजिस्टर्ड होगा, जो बंदा क्वालिफाइड होगा। अगर वो जा रहे हैं प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए तो उसके पास जाएं जो बंदा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं भी अभी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा था कि हम जिस भी किसी निजी महफिल में जाते हैं उसमें सूनर और लेटर इमिग्रेशन की बात ज़रूर छिड़ती है, और लोग हमेशा मैंने देखा है कि दे आर जगलिंग इन बिटवीन इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड राइट इन्फॉर्मेशन। बट ये डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या उनके लिए बेस्ट वे हो सकता है और देयर फॉर देयर क्लोज वंस, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एटलीस्ट राइट और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले। और जिसमें मैंने देखा है कि आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल है उसके अंदर, मैं हमेशा देखता हूं कि आप बड़ा टाइमली अपडेट्स को या जो फोरकास्ट होती हैं या जो नए ड्रॉज निकलते हैं उसके ऊपर अपने कमेंट्स जो है और अपनी छोटी सी वीडियो जो है वो अपने एनालिसिस के साथ जरूर शेयर करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखें हम यही कुछ कर सकते हैं कि राइट इंफॉर्मेशन और टाइमली इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन तक पहुँचा दे, फिर बाकी उनकी अपनी डिस्क्रिशन है कि वो जो है वो किस तरीके से फैसला करते हैं। तो आज आप हमारे नाज़रीन के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? आई कैन टॉक अबाउट दिस फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, जिसमें मोस्टली या मेजॉरिटी जो लोग जो आते हैं, जो सिंपलेस्ट लोगों का प्रोग्राम है, तो उसमें मैं छोटी सी तीन चार चीजें बताता हूँ कि जो अगर लोगों के पास हो तो वो एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई कर सकते हैं फेडरल स्किल। ओके, यप। तो मेनली अगर दोस पीपल हु आर सिंगल, उन्होंने अगर मास्टर्स किया हो जी, और अगर इफ दे आर लेस देन 29 इयर्स एज और उनका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एनओसी 1 ए में, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज दैट, और अगर वो आईएस में 777 और 8 और वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है सीक्वेंस में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो ये ले लें तो अगर उनका कोई रिलेटिव, उनका बहन या भाई इवन कनाडा में मौजूद नहीं भी है तो दे गेट 469 मार्क्स, और अगर बहन या भाई कनाडा में मौजूद है एज पीआर तो दे वुड इवन गेट 484। और अच्छा। आजकल तो खैर अभी फेडरल स्किल वर्कर्स के ड्रा नहीं हो रहे, लेकिन जब भी ड्रा रिज्यूम होगा तो 470 वुड बी ए सेफ स्कोर, लाइक आफ्टर 469 470 471 स्कोर रहा जब ड्रास हो रहे थे मार्च से पहले। जी जी। तो अगर ये तीन चीजें हैं बेसिकली कि मास्टर्स किया हो, 29 से यंग हो, जैसे आपने कहा 8777 स्कोर ले सकते हैं और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो काफी आसानी से वो एक्सप्रेस एंट्री में आ सकते हैं और उनकी इमिग्रेशन हो सकती है। आप हमारे नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करते चलें कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर मास्टर्स जो है वो उसके दो तीन मॉडल्स हैं, कुछ लोग 2 साल के बैचलर के बाद मास्टर करते हैं, कुछ लोग 4 साल की बैचलर के बाद मास्टर करते हैं, तो आप जिस मास्टर का तذکرہ कर रहे हैं ये 2 साल बैचलर के बाद वाला मास्टर है या ये 4 साल बैचलर के बाद वाला मास्टर है? ग्रेट क्वेश्चन। Yes, so masters outside Pakistan would be with 18 years of education. बड़ी अच्छी बात आपने, बड़ा अच्छा किया कि आपने ये पॉइंट रेज किया, क्योंकि मेरे अक्सर स्टूडेंट्स के साथ भी ये इशू होता है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग करते हैं कि पहले बीए किया, जी जी, बीए किया, एमए के बाद इवन उन्होंने एमफिल भी कर लिया, तो उसकी जब इक्विवेलेंसी लेने जाते हैं तो इसमें भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो अगर वेस्ट में जाएंगे तो उनको ज्यादातर चांस यही है कि वो उनको 2 बैचलर्स की इक्विवेलेंसी दे देंगे, तो वो अगर मेरी एडवाइस ये होगी कि वो सी ही है या बेस्ट के साथ ना जाएं, वो सीईएस के साथ जाएं, तो देयर इज अ गुड चांस कि दे वुड गेट ए मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंट जो कनाडा में मास्टर्स कंसीडर होगी। तो नॉर्मली अगर जिन्होंने 4 इयर्स का बैचलर्स किया है, जैसे इंजीनियरिंग की है या कुछ और किया है, उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर उसके बाद वो मास्टर कर रखे हैं तो दैट वुड बी एन एमएस जिसकी कनाडा में इक्विवेलेंसी मिल जाएगी एज मास्टर्स की, वेस्ट से भी और बाकी जगहों से भी। लेकिन जिन लोगों ने पहले 2 साल का बैचलर्स किया है, फिर मास्टर्स किया और इवन उसके बाद एमफिल भी कर लिया है, उसमें कुछ लोगों को मसला आ सकता है अगर वो वैसे करें। तो मास्टर्स अगर आप 18 इयर्स की एजुकेशन है तो वो वाला मास्टर्स कंसीडर होगा यहाँ पे कनाडा में, जिसकी आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं पूरा आपसे इत्तफाक करता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, चलते चलते मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आपने अभी वेस और सीईसी, और आई नो देयर आर 5 डिफरेंट डेजिग्नेटेड असेसमेंट एजेंसीज जो 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 गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने नॉमिनेट की हुई हैं जो लोगों के आउट ऑफ कनाडा के क्रेडेंशियल को असेस करते हैं, तो आप उसकी एफिशिएंसी प्राइस वाइज
और क्वालिटी वाइज किसको प्रेफर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ, के प्रेफरेबली उन्हें अगर उनके पास टाइम है, क्योंकि बाद मुझे पता है ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन ये जो 2 साल की बैचलर और मास्टर, इसके चूंकि नंबर का फ़र्क है, तो आप किस एजेंसी को रेकमेंड करेंगे कि अगर किसी के पास टाइम है तो वो किस एजेंसी की तरफ जाए? इसमें मैं ये कहूंगा कि दो चीजें हैं कि एक तो अगर तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 4 इयर्स का बैचलर्स किया और उसके बाद मास्टर्स किया, वो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर वेस्ट में चले जाए तो प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगी, जैसा आपने कहा कि मेरा ख्याल है वेस्ट इज द फास्टेस्ट। जी, मैंने देखा है वो 40 to 45 days के अंदर आपको क्रेडेंशियल असेस कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जिन लोगों का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैंने पहले जिक्र किया, 2 इयर्स बैचलर्स, 10 2 इयर्स मास्टर्स या MBA और उसके बाद 2 इयर्स अनदर डिग्री, तो उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि वो वेस्ट के पास ना जाएं, वो CES के पास जाएं। इट वो टेक लिटल लॉन्गर, मेरा ख्याल 4 मंथ्स का उनका टाइम है शायद, आजकल मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ कोविड की वजह से। वो CES के पास चले जाएं या IQAS के पास चले जाएं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन ज्यादा चांस ये है कि उनको इक्विवेलेंसी वहां से वो मिल जाएगी। फीस का मेरा ख्याल बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जी, फीस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सही आपने कहा, टाइम मैटर करता है और कुछ केसेस के अंदर मैटर करता है कि उनकी इक्विवेलेंस किस लेवल की वो देते हैं, क्योंकि उसके साथ पॉइंट्स एसोसिएटेड है। तो इसमें लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये मास्टर डिग्री को अगर वो बैचलर्स कर देंगे तो मेरा ख्याल कम से कम 25 पॉइंट का फर्क डायरेक्ट पड़ जाता है। और जी इसी के जो हमने स्कोर कहा 8777, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक में भी उनका 6.5 हो गया तो इकट्ठा पूरे 50 नंबरों का तकरीबन फर्क पड़ जाता है। रीजन बीइंग कि वो जो आपकी जो स्किल्स की ट्रांसफरेबिलिटी देखते हैं उसमें आयल्स को साथ मिला के देखते हैं। सो अगर आयल्स में ये 8777 नहीं दिया, दिस इज वेरी क्रूशल, 50 पॉइंट्स का फर्क पड़ जाएगा। और अगर डिग्री अगर मास्टर्स की नहीं हुई तो उसमें भी मेरा ख्याल 25-30 पॉइंट्स का फर्क पड़ जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इक्विवेलेंसी मास्टर्स की आपको मिले, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाए। सही। अच्छा, अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ थोड़ा सा ज़िमनी क्वेश्चन है ये कि लोगों को ये तो समझ आ जाती है कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के कुछ नंबर होते हैं, लेकिन यूजुअली पीपल मिस के आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज के भी एसोसिएटेड नंबर्स होते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि दैट इज कॉल्ड आई बिलीव स्किल ट्रांसफरेबिलिटी, कि आपकी एजुकेशन और आपकी इंग्लिश को और आपकी एक्सपीरियंस को और आपकी इंग्लिश को दोनों को इकट्ठा करके देखा जाता है। सही। उसके वो बोलते हैं CLB Level 9, जो कि ट्रांसलेट होता है 8777 में। तो अगर वो CLB 9 चारों में हो तो फिर आपको मिलते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री एंड मैक्सिमम पॉइंट्स इफ यू हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपका CLB Level 9 नहीं है, एक में भी अगर ड्रॉप हो गया 9 से, ये मतलब 8777 6.5 हुआ, तो देन यू वोंट गेट दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो काफी 50 पॉइंट्स का ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए एक तो आपको अगर आप उसके कैटेगरी में जाके देखें, स्कोरिंग कैटेगरी में, तो एक तो इंग्लिश के मार्क्स हैं, आइल्स के मार्क्स हैं, वो वहां पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके 7 से 6.5 हो गए। जी जी। जो इकट्ठा जहाँ पे मिला के देखा जाता है वहां पे अगर आपकी 8777 से ड्रॉप हुए तो मेरा ख्याल है 50 पॉइंट्स का फर्क एकदम आ जाता है वहां पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। तो कुछ CRS के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये कोविड की वजह से, चूंकि ड्रॉज जो हैं वो सिर्फ उन लोगों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से हो रहे हैं जो विद इन कैनेडा है, जैसे CEC क्लास और PNPs वगैरह, तो अब अगर एज्यूम कर लिया जाए कि सितंबर के अंदर अगर ड्रॉ निकलते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या स्कोर होगा? जी, अभी अगर इस वक्त पोल जो उन्होंने लास्ट टाइम पब्लिश किया था उसमें मेरा ख्याल है 470 से ऊपर थे, अबाउट 6000 पीपल। जी जी। आयल्स अभी रिलेटिवली लो क्रिएट, लेस क्रिएट हो रही है, बिकॉज मेरा ख्याल आयल्स पूरी दुनिया में जरा बंद है और CES ये ECA भी लोगों को जरा मिलने में दिक्कत हो रही है। जी जी। तो उसकी वजह से करके प्रोफाइल्स थोड़ी क्रिएट हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोफाइल इसी रेशो से क्रिएट हुई तो देन इनिशियल फ्यू ड्रॉज में तो जाहिर है स्कोर 470 से ऊपर होगा, बिकॉज 3900 या 1000 एप्लीकेंट्स को वो इनवाइट करेंगे। लेकिन उसके बाद एक दो महीने में मेरा ख्याल है कि वापस आ जाएगा स्कोर 469-465 की तरफ। सो अगर 465 से ऊपर जिन जो लोग हैं उनका अभी भी मेरा ख्याल है काफी चांस है कि हो जाएगी उनकी इमिग्रेशन वंस दिस प्रोग्राम ओपन। सही, लेकिन आपको बहुत मेजर जो है फॉल स्कोर में वो नहीं एज्यूम कर पा रहे, क्योंकि अगर आप देखें CEC भी अभी 443 लास्ट का गया या 441 है,
431 अभी जो थर्सडे को ड्रा हुआ है जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 460 प्लस स्कोर जो है वो शायद एक सेफ स्कोर है जिसके ऊपर लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका नाम एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है तकरीबन, अभी अगर देखें तो 460 से ऊपर मेरा ख्याल है 12,000 पीपल आर ऑलरेडी देयर जो उन्होंने पूल वो पब्लिश करते हैं बाई वीकली, तो 460 से नीचे तो मेरा नहीं ख्याल के कभी भी ड्रॉप होगा ये फेडरल स्किल वर्कर्स के लिए। सीजी के लिए तो जाहिर है उनकी तो आजकल देयर इन लक बिकॉज स्कोर कंसिडरेबली ड्रॉप हो गया है उनके लिए 431। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने फ्रीक्वेंट ड्रॉज होते हैं किसी एक क्लास के अंदर उसी से स्कोर नीचे आता है, अदरवाइज स्कोर सस्टेन करता है एक ही जगह पर। सही सही, तो और आप हमारे नाजरीन के साथ इस हवाले से क्या शेयर करना चाहेंगे? आप चूंकि बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो मैं आपको कट करने से भी जरा गुरेज कर रहा हूँ। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे जी, मेरे काफी दोस्तों के साथ भी हुआ कि इफ दे आर मैरिड, तो ये जो अभी हमने प्रोफाइल डिस्कस की थी कि वो 29 से लेस हो, 8777 स्कोर हो, 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो, जी जी, अगर वो मैरिड है और अगर वो अपनी वाइफ के लिए ECA या उनकी वाइफ IELTS नहीं दे पाती तो यही वाला स्कोर जो 469 पहले था तो 442 बन जाता है। अच्छा, अगर तो उनकी वाइफ ने भी मास्टर्स किया हुआ है तो फिर तो ठीक है, वो उसके भी 10 नंबर ले सकते हैं। अगर उनकी वाइफ भी IELTS कर लेती है तो वो एक्चुअली 469 की बजाय 472 बन सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन जो हो सकती है वो लोग ये कर सकते हैं कि आप अपने स्पाउस को नॉन अकाउंटिंग स्पाउस कर दें, जब आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करें उस वक्त आप ये डिक्लेयर कर दें कि आपकी वाइफ इनिशियली आपके साथ नहीं आएंगी, तो आपका स्कोर वापस 469 आ जाएगा। एंड देन यू कम हियर गेट इमिग्रेशन आफ्टर दैट यू स्पॉन्सर हर टू टेक 1 or 2 years, बट दैट इज वन ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनकी वाइफ की एजुकेशन कम है या जिनकी वाइफ या इवन हस्बैंड भी हो सकते हैं वो आइल्स में हाई स्कोर नहीं ले सकते और उनके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। तो दिस इज वन वे टू इंक्रीज योर स्कोर इवन इफ यू आर मैरिड, दैट यू कैन मेक योर स्पाउस नॉन अकाउंटिंग। तो आप पहले खुद से यहाँ पे आएंगे एंड देन यू विल स्पॉन्सर देम, जिसका मेरा ख्याल है टाइम लगेगा वो 1 साल 1.5 साल, लेकिन ये है कि दैट इज वन वे टू मेक एन एंट्री। जी देखिए, एक स्ट्रेटजी के तौर पर आपकी बात में वजन है, क्योंकि अगर एक आदमी जो है एक एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू मेक हिज प्लेस इन दी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम तो उसने जाहिर है कोई ना कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, आइदर जॉब ऑफर और या कोई और उसने स्ट्रेटजी यूज करनी है टू गेट द PNP। तो उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, एक स्ट्रेटजी ये भी है कि आप अपनी मिसिस के बगैर अप्लाई करें और जब आपकी अपनी PR हो जाए फिर यहाँ आके आप उसको स्पॉन्सर करें, और वो जाहिर है टाइम तो मैटर करता है लेकिन इन केस ऑफ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप अलॉन्ग विद देयर किड्स उसके लिए कोई लाइको तो रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो इसलिए वो लाइक वे ईजियर जो है वो स्ट्रेटजी है टू विन दी PR एज कम्पेयर टू कि आप जो है वो बिल्कुल ही ना आए। अगर आप उनको शामिल कर लें और साथ आने की कोशिश करें और अगर आप स्कोर को मीट नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है फिर तो आप भी नहीं आएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि कुड बी कि वो अपनी स्पाउस के बगैर अपने प्रोफाइल को मेक करें और अगर उस तरीके से उनके नंबर पूरे होते हैं और वो PR ले लेते हैं तो देन दे कैन स्पॉन्सर, बट टाइम विल मैटर डेफिनेटली। अलीम भाई बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा बातें कर आपसे मजा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक जगह पे जाना है। हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे आपके कमिटमेंट का अंदाजा है, आपका बहुत शुक्रिया। हम कम्युनिटी टीवी की तरफ से वेलकम टू कनाडा प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले प्रोग्रामों में भी आपको ज़रूर जहमत देंगे कि आप जो इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है स्पेशली आपके जो फोरकास्ट और एनालिसिस होते हैं वो हमारे नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू, बाय। थैंक यू। तो नाज़रीन ये थे फरहान इकबाल, हमारे साथ शेयर कर रहे थे जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और CRS के हवाले से बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने दो तीन प्रोफाइल भी आपके साथ हाइपोथेटिकल शेयर किए कि हाउ पीपल कैन मेक प्लेस इन एक्सप्रेस एंट्री। तो चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक की तरफ, प्लीज़ स्टे इन टच विद अस।